डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए। अच्छा, 20 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर मरकज की मोदी सरकार ने कई प्रोग्राम्स मुनाकद किए हैं, तो अपोजिशन ने इत्तेहाद का सबूत पेश करते हुए इन तमाम प्रोग्रामों का बायकॉट कर दिया है। कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक, शिवसेना से लेकर BSP तक, कई पार्टियों ने इन प्रोग्राम से दूरी अख्तियार की है। ऐसे में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर तंज किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में बड़ा पैगाम देते हुए सभी के लिए बराबरी की बात कही है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि इंसाफ और हुकूक सब के लिए एक जैसे होने चाहिए, ताकि आईन सिर्फ कागज ना बन जाए। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है। मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन डे पर सभी को मुबारकबाद। कांग्रेस सीनियर लीडर और साबिक वजीर आनंद शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार की जानिब से कॉन्स्टिट्यूशन के मौके पर मुनाकदा प्रोग्राम में अपोजिशन को महज रस्मी दावत देने पर तंज किया और इन प्रोग्रामों के बायकॉट करने के बारे में तफसील बताई। कांग्रेस पार्टी ने और हमारे सहयोगी दलों ने, अन्य मुख्य विपक्षी दलों ने इसमें शमूरियत नहीं की है, इसमें शामिल नहीं हुए हैं। उसके कारण जानना आवश्यक है। BJP की सरकार निरंतर संवैधानिक संस्थाओं पर चोट पहुंचा रही है, संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है, संवैधानिक प्रजातांत्रिक प्रणाली पर निरंतर आघात है, चोट पहुंचती है। एक संसदीय प्रजातंत्र के अंदर प्रतिपक्ष की भूमिका रहती है। देश के संविधान में ये बात स्पष्ट है कि सत्ताधारी दल के साथ प्रतिपक्ष अनिवार्य है। 2 बरस पहले भी यही विषय उठा था, एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। हमारी ऐसी अपेक्षा थी कि उस दिन जो हुआ और विपक्ष ने अपना रोष प्रकट किया, प्रोटेस्ट किया, उससे सरकार भविष्य में सचेत हो जाएगी और विपक्ष को सम्मान ऐसे अवसर पर देगी जहां हम संविधान का सम्मान करते हुए, महामहिम राष्ट्रपति जी का सम्मान करते हुए ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर विपक्ष, चाहे नेता प्रतिपक्ष, विपक्षी दलों के नेताओं की संविधान दिवस के कार्यक्रम के आयोजन में और देश के प्रजातंत्र को, संविधान को जब हम सेलिब्रेट करें, उसका जश्न मनाएं, उसमें शामिल ना किया जाना केवल एक औपचारिक निमंत्रण, वो भी बैठने का समारोह के अंदर, वो स्वीकार्य नहीं है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक तरफ मुल्क के आईन यानी कॉन्स्टिट्यूशन को सभी की हिफाजत करने वाला बताया है, तो वहीं इस बात का भी जिक्र कर दिया कि कई मामलों में मुल्क के मुस्लिम और दलित तबके के साथ नाइंसाफी होती है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि 26 नवंबर 1949 को हमारे बुजुर्गों ने हमें आईन का तोहफा दिया था, ये वो ख्वाब था जो हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए देखा था। इस आईन ने ही हमें ना सिर्फ कई ज्यादतियों से महफूज रखा बल्कि अक्सरियत पसंदी से भी बचाया। असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि यह कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा वादा है जिसे कई मर्तबा तोड़ने की कोशिश की गई। मुल्क के मुस्लिम और दलित तबके के साथ तो ऐसा अक्सर हो जाता है, लेकिन फिर भी मुल्क के आईन ने हमें वो ताकत जरूर दी है कि हम इस नाइंसाफी के खिलाफ बोल पाएं, हम अपने हक के लिए लड़ सकें। अब असदुद्दीन ओवैसी ने बिना नाम लिए मौजूदा मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से ही ये कहते आए हैं कि मोदी सरकार के इख्तदार में आने के बाद से मुस्लिम और ज्यादा गैर महफूज महसूस करने लगे हैं।
हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज, माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स, आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटेरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज, घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तियाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849-363-888, 8686-78-1110।